तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग शेयर मी से कोई फाइल को रिसीव करते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि वो आपकी जो फाइल है वो आपके फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज में ना जाके वो आप लोग के एसडी कार्ड में चली जाए, यानी कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा एसडी कार्ड डाल के रखा है और आप लोग के फ़ोन की या तो मेमोरी कम है तो आप लोग चाहते होंगे, या तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के डायरेक्टली जो आप लोग की फाइल रिसीव करें वो एसडी कार्ड में चली जाए। तो आप लोग ये सेटिंग जो है कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप लोग इंटरनल स्टोरेज से आप लोग एसडी कार्ड में जो है कैसे आप लोग फाइल को सेंड करवाएंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आप लोग को यही सेटिंग बताऊँगा कि आप लोग अपने शेयर मी की ये जो सेटिंग है इंटरनल स्टोरेज से एसडी कार्ड में कैसे लेके आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे स्टैक टेक्निकल एस के चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग को सेटिंग को चेंज करना है तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप लोग शेयर मी की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को लोगो मिलता है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ मिलता है सेटिंग, सेटिंग पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ मिलता है स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन पे आप लोग क्लिक कीजिए। अब ये आप लोगों की इंटरनल स्टोरेज है तो यहाँ पर आप लोग एस डी कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। एस डी कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद ओके पे आप लोग क्लिक कीजिए और आप लोग की जो फाइल है अब आप लोग जो भी रिसीव करेंगे वो सारी की सारी एस डी कार्ड में चली जाएंगी। ठीक है गाइस, तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपनी स्टोरेज की जो शेयरिंग से स्टोरेज की जो लोकेशन है वो आप लोग स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही भी आज पूरा मैं उम्मीद करता हूँ आज पूरा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा उसके लिए प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोग को मिल जाए। तो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।